लोग अंदर है नीचे। दीदी हर हफ्ते की, और अब भी देखो मुजरिम का ही साथ देने के लिए पुलिस बैठी हुई है। पुलिस वाले पैर दबा रहे उस लड़की के, सुनने में आ रहा है ये पुलिस जो बैठी है उसकी बुढ़िया, उसकी माँ घर में बंद है, उसको खाना पहुँचवा रही है पुलिस। हम जनता को तो डरा धमका के भगा देते हैं। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पहली नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आपका स्वागत है तेज तरार में। इस वक्त मैं दिल्ली के जोशी कॉलोनी इलाके में मौजूद हूँ, थाना पड़ता है मधुविहार बीच चौराहे पर। यहाँ पर एक शख्स को कई लोग मिलकर चाकू गोद कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं, और इस वारदात में न सिर्फ लड़के बल्कि एक लड़की भी मुख्य रूप से शामिल बताई जा रही है। पूरे मामले को जानने के लिए आइए पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं, और क्या कुछ उन्होंने देखा था, क्या खौफनाक मंजर इस इलाके में देखने को मिला है, किस तरीके से बीच चौराहे पर एक लड़के की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई, इस हत्या के पीछे क्या कुछ वजह है, तमाम सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। इन सवालों के जवाब के लिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पूजा है। अच्छा, कल जो परसों जो यहाँ पर मामला हुआ है, क्या मामला एक बार बताइए। कुछ नहीं, मैं तो काम पे थी, दिन दहाड़े लड़की ने, लड़के ने उसकी माँ और यार दोस्तों ने एक लड़के को बेकसूर को उसको मारा है, उसकी घरवाली को मारा है। मेरे बच्चों ने फ़ोन करा, मम्मी जल्दी आ जाओ, ऐसे से काम हो गया है। यहाँ पे आने के बाद पता चलता है 10-20 मिनट तक लाश तड़पती रही है, लेकिन पुलिस वाले कोई नहीं आए। मोमडन के जो लड़के थे बेचारे, वो बाइक पर डाल के लेकर गए उस लड़के को, लेकिन जो लेकर गए तो पुलिस वालों ने उन्हीं लड़कों को मतलब मुजरिम समझ के उन्हें ही पकड़ लिया, उन्हें नहीं छोड़ा गया। फिर यहाँ पे लाभ बॉडी आई है, लड़कों को नहीं छोड़ रहे हैं। जो लड़की ने मर्डर कराए और उसके घर वालों ने, तो उनके पैर दबाए जा रहे हैं थाने में। लड़की भी शामिल है इस कत्ल में? नहीं तो करा, ये लड़कांड लड़की ने ही करा। मैं ना लड़की, और क्या नाम है लड़की का? लड़की का नाम क्या है? प्रियंका। हाँ, और उसके भाई हैं और माँ, मेरे को नहीं पता क्यों, मैं तो किराएदार नहीं हूँ, मेरा कोई हक नहीं है। पब्लिक पूरी तमाशा देख रही है, कोई सी आगे नहीं बढ़ी। अगर पब्लिक आगे बढ़ जाती तो कुछ नहीं होता। और मुझसे कल जब मैं बेसबाजी करने पे आई, काम पे से आई, जब बॉडी आई 3 बजे, तो मेरे से पुलिस वाले कहते, अरे एक दिन तो सबको मरना है, मैं को मरना है, तेरे भी चाकू घोपे क्या जब मरना है तो? दूसरा पुलिस वाला कहता है, अरे कोई बात नहीं। मैंने कोई बात नहीं, कैसे नहीं कि इंसाफ मिले, क्या इंसाफ मिलेगा जब हमारा लड़के को मारा गया, भांजे को, जब किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी आज, और कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज फिर दूसरा मर्डर हो गया, 2 महीने भी नहीं हुए, मर्डर दूसरा भी हो गया। पुलिस वाले कब आते हैं? जब सारे काम तमाम हो जाते हैं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आते हैं, और ऊपर से ऊपर पैसा भरा जाता है उन्हें। अभी भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि पुलिस फोर्स बैठी है, वो इसी वजह से तैनात। पुलिस फोर्स बैठी हुई है अभी, परसों के लिए बैठी हुई है। ये पुलिस जो बैठी है, उसकी बुढ़िया, उसकी माँ घर में बंद है, उसको खाना पहुँचवा रही है पुलिस, और इसीलिए बैठी है कि इस बुढ़िया को कोई ना मार दे। ये तो मुजरिम का ही साथ दे रही है पुलिस, और उसकी ये कर क्या रही है, ये तो मुजरिम का ही साथ दे रही है। 2 महीने पहले मेरे बेटे को मारा, तो मेरे को किसने सपोर्ट करा? किसी ने सपोर्ट नहीं करा। मैं अकेली बैठी हूँ, रोती रहती हूँ, 2 महीने हो गए, किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा, मैं किराएदार हूँ, कि तू कमरे का किराया दे रही है या खाना खा रही है या नहीं खा रही। आज मेरी बेटी बुखार में बीमार है, मेरे को दवाई के लिए पैसे नहीं है, कोई नहीं पूछता। ये दुनिया बहुत बेकार है। इसने मारा है और उसी की माँ की सेफ्टी करी जा रही है। हमने बोला इसमें सील लगाओ, जब हमारे भांजे को मारा गया, हमने बोला था मंजू के जो टीटू गौतम को मारा था उसमें मंजू का सबसे बड़ा हाथ था। हमने बोला इसकी झुग्गी में ताला लगवाया जाए, क्यों दारू गांजा खुलेआम चल रहा है। यहाँ टीटू गौतम की यहाँ बॉडी पड़ी हुई है और दारू गांजा खुलेआम चल रहा है, क्यों पुलिस वाले क्या करेंगे? उन्हें मंथली जाती है 50,000 रुपए हर हफ्ते की, और अब भी देखो मुजरिम का ही साथ देने के लिए पुलिस बैठी हुई है। वहाँ से पुलिस स्टेशन की पुलिस है, मधुविहार थाने की, और मुजरिम के पास ही पुलिस बैठी हुई है, और जहाँ जिसका लड़का गया है उसके पास तो कोई भी नहीं है, और ये लोग डर रहे हैं, क्यों इनके यहाँ कोई कहने वाला नहीं है, इसी वजह से ये बयान नहीं देना चाह रहे। हाँ, इसीलिए सारे पब्लिक भी डर रही है, बयान नहीं दे रहे, और उसके जो लड़का खत्म हुआ है इसीलिए ये लोग घबरा रहे हैं कि हमारा जब कोई साथ नहीं देगा तो हमें क्या फायदा है मीडिया बुला के। ये अभी अरेस्ट हुआ है? कोई अरेस्ट तो हो गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वाले पैर दबा रहे हैं तो क्या अरेस्ट है? पुलिस वाले पैर दबा रहे उस लड़की के, सुनने में आ रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? इनको तो पैसे की इतनी भूख है, ये तो पैसे के लिए। कौन बता रहा है आपको, किससे सुना है? अफवाह उड़ रही है कि पुलिस वाले पैर दबा रहे, तो जाहिर सी बात है जब मुजरिम का कुछ कर रहे नहीं है तो पैर दबा रहे ही होंगे ना, बस और क्या है। हम जनता को तो डरा धमका के भगा देते हैं, भाग जाओ यहाँ से, नहीं लट बजाएंगे, अभी मारने की धमकी देते हैं, क्या करें। एक बार उधर जाओ, पुलिस वालों से बात करो, वहाँ पे जो 2-4 औरतें अगर सही होंगी, जो कल बोली थी हमारे साथ, वो आज अगर सही होंगी तो वो बोलेंगी,
आप उस गली में जाओ जहाँ पे मर्डर हुआ था, जहाँ बॉडी रखी। जो पूरी वारदात है कितने बजे हुई थी? परसों दोपहर 3 बजे हुई थी, 3 बजे फोन गया था मेरे को। 3 बजे 12:30 बजे की बात है ये? नहीं नहीं, जब मर्डर हुआ है, लेकिन मैंने नहीं 2 बजे के आसपास हुआ है, 2 बजे के आसपास। तब मैं घबरा गई थी उस बॉडी। आसपास लोग थे जब कत्ल हो रहा था? जी सब थे, सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। सब अपनी अपनी छत पर से सब देख रहे थे। बीच कॉलोनी में मर्डर हो रहा है और सब लड़के देख रहे हैं, औरतें देख रही हैं, लेकिन किसी ने उस बच्चे को बचाने की हिम्मत नहीं करी, समझ लो ये है। और यही मेरे बेटे के साथ हुआ, मेरे बेटे को भी किसी ने नहीं बचाया। मैं रो के पीट के बैठ गई, मेरी किसी ने सपोर्ट नहीं करी। 13 तारीख को मेरे बेटे को 2 महीने होंगे। क्या नाम है आपका? बचुली देवी। क्या कुछ देखा था आपने? हम गए थे वहाँ पे, जैसे कि किसी ने बोला कि लड़ाई हो रही करके हम जब गए वहाँ पे जी, तो ये वो लड़का तो आया था डंडा लेके उधर से, मगर ये 6 जने लोग चक्कू लेके अपने ऐसी गेट पे खड़े थे। 6 लोग चक्कू लेके खड़े थे। जब तक उधर इधर से हमारा लड़का गया, उसने सीधा वार करा चक्कू से। अच्छा। उस लड़का डंडे से तब तक डंडे से वार करते ना तुम भी। पहले इनका अच्छा दोस्ती थी, खाना बैठना उठना हमारे भतीजे के सब। अच्छा, आपका भतीजा डंडा लेकर गया था? खाली डंडा था उसके हाथ में, छोटा सा, इतने से डंडे से क्या मारे। ये 6 लोग और 6 चक्कू, 6-6 तीन दो दो चक्कू दोनों हाथों पे, 6 लोग ऐसे गेट पर खड़े होकर और आए। हम उधर ही देखते रहे, जब तक गए उधर से आए, बकरी की तरह सब ने उधर शटर बंद कर दिया। सब देख पूरी गली ऐसी होगी फरार। और देखा था जब हम जब तक वो वहाँ आए, तब तक पेट में लड़के को घुसेड़ के, दो जन लड़का घुसेड़ के पेट में, और लड़का बेहोश हो गया। दस चक्कू पेट में घुसेगा तो मरेगा। आपके ऊपर भी हमला किया गया? हाँ, मेरा चुटिया पकड़ दिया। मैंने जब ऐसे ऐसे करने लगी तो मेरे भी उस लड़की ने चुटिया पकड़ दिया, प्रियंका ने। हाँ, और इनकी बदमाश है। और मेरे बहू छुड़ाने के लिए बुद्धि, और दीदी ही बोलती थी, पहले उठना बैठना खूब था इनका, और दीदी मत करा। और उसका यहाँ पर चक्कू लगाया, यहाँ बल्कि पट्टी करिए, जाके देखना अभी पट्टी लगा रखी उन्होंने पुलिस वालों ने। उन पर भी हमला किया? हाँ, और उस पर भी हमला किया। बचाने के चक्कर में लड़का को लेटा दिया, लड़का यहाँ मार के खत्म, बिल्कुल खत्म कर दिया। और ख़त्म होने के बाद, और उसका लड़का अंदर गया, भरत कहते जिसे, वो गया अंदर, उसने क्या करा, अपना कंधे में चक्कू मार के खुद मार के सीधा मंदिर वाली गली में फरार हो गया। अच्छा। बल्कि सीधी भी कमर लगे, और उसके 3-4 लड़के वो पता नहीं कहाँ फरार हो गए। और बस चक्कू को मार के लड़का लेते, अभी उसके बाद लात मार के गया अंदर, के अंदर चक्कू फेंस के फिर भरा। अच्छा, जिस तरीके से बीच चौराहे पर, और फोन करता रहा, 100 नंबर पर फोन करता है, किसी ने फोन नहीं उठाया। क्यों? इसने पैसे थाने में गुजार रखे थे। अच्छा। कोई नहीं आएगा करके चिल्लाता रहा, बचा दो, कोई नहीं बचा, कोई नहीं आया। पूरी गली साफ हो गई। फिर उसके बाद फिर हमारे लड़के, और मेरा जो बड़ा वाला लड़का था भी नहीं, वो नौकरी करता था, उसको वो भी नहीं था, और जो 2-3 लड़का उसके साथ था, वो लड़का फिर आए, बोले उठा, फोन करा, कोई नहीं आया। फिर वो अपने मोटरसाइकिल किसी ले जाके वहाँ थाने में लेके गए, और उस दिन गए थाने में, वही लड़कों को लाल बहादुर में गए लेके था लाल बहादुर। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से बीच चौराहे पर एक कत्ल कर दिया गया, 6 लोगों ने मिलकर एक शख्स की जान ले ली, इस घटना के बाद कोई डर है आप लोगों में कि बाहर निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे? डर है भैया, हमें धमकी दे रखी उसने, कह रहा जो देख जो है बोलेगा उसी को हम बाहर तो निकलेंगे, फिर उन्हीं को मारेंगे। अच्छा। बताओ, हमारे को तो डर है भाई उससे, बहुत डर है, बहुत बहुत है। उसकी बहन भी कतलिया, और वो पूरा खानदान का, कोई उनके घर में है नहीं, ऐसी है वो कतलिया बना रखे, ऊपर वाला ने सब कोई सपोर्ट सब। अच्छा, मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है इन लोगों के पहले से? पहले से ही रिकॉर्ड है इनके सबके, थाना इन्होंने देख रखा, कोर्ट कचहरी इन्होंने देखा, अखबार पोस्टर कहाँ छपते हैं इन्होंने पूरा, मतलब मैं हर घट घट में सब देख रखा है। हम तो भगवान से हाथ जोड़ते विनती करते, हम तो कहीं नहीं देखा, हम तो डरती हूँ लड़ाई झगड़े से। हम इसलिए तो समझाने के चक्कर में, वो लड़का समझाने के लिए तो गया होगा, इन्होंने प्लानिंग से उसका अरे मार देते, हाथ तोड़ देते, पैर तोड़, हम तो कहते हाथ तोड़ देते, पैर तोड़ देते, सर फोड़ देते, सर से मैंने पढ़ा रहता उसकी दो इतनी दिन बच्चे बिरार कर दिए उसके, कौन देखा घर में कमाने वाले। अभी हमारी जिठानी खत्म हुई है, कोई नहीं है, पहले तुम इनको रहम में नहीं आया कि हम पहले उठते थे बैठते थे खा लेते, रहम नहीं आया इनको, उसका कसाई की तरह पूरा कचल कर ऐसे दिखा दिया। पैसे भरने के बाद आगे कोई कार्रवाई होती नहीं है, गरीब आदमी इसीलिए मर जाता है, आगे इसलिए नहीं जा पाता है, क्योंकि पता है पुलिस वाले हाई पोस्ट के बंदे पैसा खा के बैठ जाते हैं, आगे कोई कार्रवाई होने ही नहीं देते हैं, यहीं पे थाने में पैसा भर दो और केस यहीं रफा दफा करा दो। अभी बीच में मेरे साथ छोटे भाई के साथ एक केस हुआ था, तो खाली इतनी सी बात हुई थी कि उसने जिसने मर्डर किया है उसके छोटे भाई बाइक चला के जा रहा था, नाबालिग के हाथ पे बाइक दे रखी है, तो उसने जाते मेरे छोटे भाई को हैंडल मार दिया, उसने हल्का सा एक चांटा मार दिया, चांटा मारने के बाद वो पार्किंग में चला गया उधर, और उसके बाद वो लड़का अपने घर आ गया, वहाँ से बाद में अपने बहन को भाई को मम्मी को बुला के लाता है बाकायदा चाकू वाकू हाथ में लेके, उसका भी मर्डर करने जाते हैं वहाँ पर शायद
छुपा लेते हैं चाकू या क्या करते हैं, बाद में डंडों से मेरे भाई पे वार किया जाता है और डंडे के मतलब ये जो एरिया है कुल मिलाकर कहें काफी अनसेफ ही है, बहुत अनसेफ है, बहुत अनसेफ है। लोग कल परसों के मर्डर के बाद तो इतने डरे हुए हैं, लोग घर से निकलने में सोच रहे हैं कि हम निकलें कि नहीं निकलें। रात को लोगों को नींद ऐसे बुरे तरीके से नींद नहीं आ रही, किसी को नींद नहीं आ रही है, सब परेशान है। आपने कहा कि वो आपके भाई का दोस्त था, कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छे से। यहाँ लोग रात के 12-12 एक एक बजे तक घूमते हैं, 2-2 बजे तक घूमते हैं। यहाँ पे कोई सेफ्टी है ही नहीं, रात को कोई कुछ भी करके चला जाएगा, कोई सेफ्टी नहीं है। कैमरे नहीं लगवा रखे गवर्नमेंट ने यहाँ पे, सबसे बड़ी बात। तो हमें ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि जोशी कॉलोनी में खास तौर पे कैमरे लगवाए जाएँ, कि कैमरे लगे होंगे ताकि कुछ करने से पहले, जैसे धमकी दे के लोग कैमरे बंद करा देते ना, वो कैमरे तो नहीं बंद करा पाएंगे ना, वो तो गवर्नमेंट के होंगे तो कहाँ से बंद करा देंगे। बस ये है कि एक बार यहाँ जोशी कॉलोनी में कैमरे लग जाए, हर चौक पे लगने चाहिए, कि ताकि अगर कल को कोई ऐसी वारदात होती है तो वो कैमरे में कैप्चर हो सके और जिसको मतलब जिसके साथ जो घटना हो उसका न्याय मिल सके। बस ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये करे। तो देखिए किस तरीके का मामला सामने आया है, स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से एक शख्स पर इतने सारे लोग मिलकर जानलेवा हमला कर देते हैं। हमला इस कदर बेरहमी से किया जाता है कि उस शख्स की यहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अभी कुछ तस्वीरें और आपको दिखाएंगे। पुलिस फिलहाल वहां पर बैठा रखी है, पुलिस फोर्स वहां पर बैठी हुई है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनका ये कहना है कि पुलिस वालों को जिस तरीके से कार्यवाही करनी चाहिए थी वो कार्यवाही नहीं हुई, जो कुछ भी एक्शन लेने चाहिए थे वो नहीं लिए गए और जो एक्शन लिए भी हैं उससे परिवार जो है यहाँ पर संतुष्ट नहीं नज़र आ रहा। इनका एक कहना और भी है कि उन लोगों ने इन्हें अभी भी धमकी दी है कि जब पुलिस स्टेशन से बाहर आएंगे तो फिर से कुछ ऐसी वारदात को वो लोग अंजाम दे सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर इस इलाके के लोगों ने रिश्वत लेने के आरोप लगाए वो बेहद ही शर्मनाक है। हालांकि हम दावा नहीं कर रहे कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सच हैं या फिर नहीं, लेकिन पब्लिक जिस तरीके से यहां की पुलिस से नाखुश नजर आ रही है वो आपके सामने है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की खबरें ज़रूर सामने आई हैं, लेकिन पीड़ित परिवार का यही कहना है कि जो पूरे आरोपी हैं यानी कि जितने भी आरोपी थे इस मामले में उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों की यही मांग है कि इस इलाके में कैमरे लगाए जाएं, जिस तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए राजधानी दिल्ली के कई इलाकों की वो यहाँ पर मुहैया करवाए जाए पुलिस के द्वारा। अब देखते हैं इस मामले में जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है, जिस तरीके से रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं उनमें क्या पुलिस प्रशासन कोई जवाबदेही देगी बाद में, ये सब कुछ एक देखने वाली बात होगी। पूरा मामला आपको दिखाया है, पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।